रूस के दागिस्तान में रशिया की स्पेशल फोर्स ने अब इस वक्त संभाल लिया है मोर्चा। डर्बेंट में रूस के कमांडोज भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब तक के ऑपरेशन में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बाकी आतंकी जो पूरे शहर में रह रहकर फायरिंग कर रहे हैं उनकी तलाश जारी है। दागिस्तान से इस वक्त की ये सबसे नई तस्वीर जहां पर नेशनल गार्ड्स ने मोर्चा संभाला है और ये वो फोर्स है जिसका गठन कुछ साल पहले पुतिन ने किया था। तो दागिस्तान के इस हमले को लेकर आईएस और यूएस जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो आपको बताते हैं। रूसी दावे में कितना सच है आप जरा समझिए। रूसी खुफिया एजेंसी एसबीआर का बहुत बड़ा दावा, आतंकी हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। यूक्रेन को भड़काकर आतंकी हमले की साजिश को रचा गया, ये दावा रूस की तरफ से कर दिया गया है। प्रॉक्सी के जरिए दागिस्तान में हमले का आरोप लगाया गया है। हमले के लिए आतंकवादियों को अमेरिका ने तैयार किया, ये रूस देखिए साफ बोल रहा है। आईएस अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों से हमला करवाया गया। रूस के दुश्मन देशों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिली है, यानी जो अब तक शक जाहिर किया जा रहा था रूस की तरफ से उसके खुफिया एजेंसी की तरफ से तो बोल दिया गया है कि इसमें आईएस का हाथ है और इसके पीछे अमेरिका है। मैं संजय सोइसर आपके पास आ रहा हूं। अभी तक तो हम सवाल उठा रहे थे लेकिन आप देखिए अब तो बयान आ गया, अब तो ये दावा कर दिया गया कि इसके पीछे आईएस है और उसको सपोर्ट मिला अमेरिका का। नहीं बिल्कुल करुणा, ये अगर उनका ये बयान आए बहुत इंपॉर्टेंट बयान है और खास तौर से अभी जब मीटिंग चल रही है क्रेमलिन में तो वो भी ये सोच रहे हैं उनके तार किससे जुड़े हुए। अभी जो आपने 5 ऑप्शन दिखाए थे विपिन जी ने उसमें देखा जाए कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, अमेरिका यूक्रेन आईएसआईएस जिहादी, आईएसआईएस और जिहादी का इमोशनल वैल्यू का एक्सप्लॉयटेशन अमेरिका और यूक्रेन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो 5 चीज़ें यहाँ पर एक तरह से मिल जाती हैं वहाँ पर और उनका इस तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और रशिया का मैं जानता हूँ और ये बड़ा कॉकटेल नजर आ रहा है सर और इससे इनकार नहीं कर सकता कि कोई एक एंगल है। शारदेंदु सर, आपको जो आतंकियों की बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके कपड़े पहनने का अंदाज है या जिस तरह के हमले करने का ट्रेंड है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है, इस वक्त आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, कौन लोग शामिल इसमें हो सकते हैं, कहां इनको ट्रेन किया गया, कैसे शहर में घुसाया गया और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए जिस तरीके से उन्होंने हमला किया और जिस तरीके से उनका मूवमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ड्रिल की, एक दूसरे को कवर किया और ऐसे समय में जब देखिए संडे में लोग प्रेयर के लिए जाते हैं उस समय हमला बोला गया, तो ये एक बड़े ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन उस इलाके में आईएसआईएस के अलावा और दूसरा है नहीं। अगर वहाँ के दागिस्तान के टेररिस्ट होते या लोकल रेबल्स होते तो इस तरीके का कोऑर्डिनेशन इतने मल्टीपल जगह पे साइमल्टेनियस अटैक नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि इसके स्ट्रिंग बाहर जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है कि आज की डेट में रशिया को डिस्टेबलाइज करने का है। मिलिटरली आप उसको कर नहीं पा रहे क्योंकि वो यानी शरदेंदु सर वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है जिसको लेकर लगातार वार्न कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन और अब जब रूसी खुफिया एजेंसी दावा कर रही है कि आईएस और उसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है तो क्या करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन।